फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? तो आज हम ब्लॉग चालू कर रहे हैं दोपहर के बाद, और अभी बजे है शाम के 5:15। और अभी हमारे घर पे क्या हो रहा है दिखा देती हूँ। पापा बैठे हैं यहाँ पे और फोन में देख रहे हैं अभी पता नहीं क्या, और वहाँ पे बैठे हैं सब लोग, और अरुण बापू जी भी वहाँ पे बैठे हैं, देखो नींबूड़ी के नीचे। और हमारे साथ है यहाँ पे भाभी, ये देखो कैसे मार रहे हैं। और हम रूम में जाके देखते हैं कि मेरा भाई क्या कर रहा है। तो ये खेल रहा है अभी आरोही के साथ, ये देखो ये आरोही अभी खेल रही है। ये और अभी एडिटिंग नहीं करना है, चालू है, चालू है। ओके कंटिन्यू। और बाहर जाके देखते हैं तो ये भाभी आ गए। भाभी आज क्या प्लान है, डिनर का प्लान क्या है? मुझे नहीं बताना, सब बोल रहे हैं कि आप बैंगन ही खाते हो, तो आज नहीं बताने वाले। आज तो इसीलिए पता चल गया कि आज बैंगन है। नहीं बैंगन नहीं है आज। तो क्या है? किचन में आकर देख लो। देखते हैं हम किचन में चल के। चलो ये देखो यहाँ पे बैंगन ही है सही में, और बोल रहे थे कि बैंगन नहीं है। क्यों झूठ क्यों बोलते हो? क्या करे, सब लोग बोल रहे हैं कि रोज बैंगन ही खाते हैं, तो अब जल जाओगे पीछे। नहीं बहुत दूर है, तो कोई बात नहीं है, उसमें क्या है। और आरोही दोनों झूला झूल रहे हैं कितने अच्छे से, देखो ये भी अभी सो नहीं रही है, क्या करे इसको सोना ही नहीं है। क्यों देखो फाफा मार रहे हैं। भाभी क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो? दो दो मुझे दो इधर से वाइट कॉफी को। अब क्या खा रहे हो? स्टिक। स्टिक नो खवाई कोई दिवस। और पापा देखो जा रहे हैं रूही को लेने। पापा रूही लेवा जाओ छो, टाइम थी गयो। पछि पार्किंग लेता हूं, पछि दाढ़ी आ लावजो पापा। બીજું કઈ ખાવાનું મળે તો નવું લાવજો। ચીક્કી લાવી? ચીક્કી હા, માંડવીની ચીક્કી હોય તો લાવજો। માંડવીની છે સેની ઓલા દાળિયાની છે। હા બહુ બધું લેતા હો નવું નવું। बहुत ही बढ़िया, ये सब बाइक और साइकिल पड़ी है पार्किंग में। अभी वो ट्यूशन से आएगी तो बहुत चिल्लाएगी मेरे ऊपर कि क्यों ली मेरी साइकिल। यहाँ पे अभी दोनों बैठे हैं और वीडियो बना रहा है वो मेरा, पता नहीं क्या करेंगे। देखो ये अभी दोपहर के बाद क्या नजारा, मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ा, सब बोल दिया। ये देखो ये मेरा चुरा रहा है, मैंने बोला था ना आज की बैंगन का भरता बन रहा है, बनने वाला है मस्त मस्त बैंगन का ओड़ा। और रिंकुस किचन यहाँ पे आ रही है और बहुत हंस रही है। रिंकुस किचन क्यों हंस रही है? बाबू के घर पे सूर्य कुकर में बनी है खारी सिंह, तो हम बाबू से पूछते हैं कि कैसे बनाई। बाबू केवी रीते बनावी? पानी पानी नाख देवानू, एमा मीठू नाखवानू, मांडवी नाखवानी। हां પછી માંડવીમાં મીઠું સડી જાય ત્યાં સુધી રેવા દેવાની, એટલે બાફવાની કે અતકચરી બાફવાની? અતકચરી બાફવાની, બહુ નહીં, મીઠું સડી જાય એટલીસ। હા પછી આપણે ખારા મોળી જેવી ખાઈ હોય એવી બનાવવાની, વધારે ખારી ખાવાય તો વધારે મીઠું નાખવાનું, ઓછી ખારી ખાવાય તો ઓછું નાખવાનું, તમારા સ્વાદ પ્રમાણે નાખવાનું, હવના સ્વાદ પ્રમાણે હવને નાખવાનું। પછી એક દિવસ સૂકવવાની, પછી બીજા દિવસે સૂર્ય કુકરમાં પાથરી દેવાની પેપર નાખીને, પછી તડકામાં રેવા દેવાની, વચ્ચે એક વખત હાથ ફેરવવાનો। કેટલા દિવસ રેવા થાય બનતા? આખા દિવસમાં થઈ જાય, એક દિવસમાં બની જાય। હા તડકો ફૂલ હોય એટલે એક દિવસમાં બની જાય, ઉનાળામાં તો બપોરમાં બની જાય, સવારમાં નાખો બપોરે બની જાય। અત્યારે તડકો આછો હોય, શિયાળાનો આછો તડકો હોય ને એટલે એક દિવસે બને। ક્યાં બાત હે, તો એ દેખો બાબુને બનાવી હે મસ્ત ખારી સિંગ, અભી બની નહી હે ક્યોકિ આજ ધૂપ નહી થી। કે બાબુ ધૂપ નહી એટલે કાલ મૂકના પડેગા? હા કોઈ નહીં, પર યે બનેગી બહોત અચ્છી, અગર કિસી કે પાસ સૂર્ય કુકર હે તો ટ્રાય કર સકતે હો। દેખો મેરે પાપા આ ગયે હે માર્કેટ સે, ઓર મેરે લિયે બહોત સારા ભાગ લેકે આયે હે પાપા। બહુ બધું લાવ્યા તમે, સુપર શું છે ચિક્કી? તો ચલો ચલો ખાઈએ। રૂહી ટ્યુશન સે આ ગઈ હે, રૂહી સિંગ કેવી મજા આવી તને આજે ટ્યુશન માં? બહુ મજા આવી હે, તું શું ભણી? चॉकलेट। यहाँ पे देखो ये सब कचरा निकल गया है और यहाँ पे भरता बन गया है। भाभी क्या डाला?
कलर क्यों हुआ वो लागे डंडे कलर भी ऐसा हुआ है पता नहीं मुझे अभी बैंगन थोड़ा ब्लैक जैसा है नहीं इसमें मक्खी नहीं चली गई ना ये चली गई लगे कोई बात नहीं कुछ ये कचरा होगा और फिर वो तो हेल्दी होता है भाभी वो कचरा तो हेल्दी होता है कोई नहीं कलर में क्या रखा है टेस्ट में रखा है टेस्ट में बढ़िया होना चाहिए यस तो इसमें डाले हैं टमाटर टमाटर ही है और बैंगन का है ना जो लोचा ओके बहन क्या है आपको क्यों गांडा काट रहे हो देखो फ्रेंड्स मेरे पास एक पुराना वीडियो मुझे मिल गया है जो मैं अभी डाल रही हूँ जो देख के आपको बहुत ही मजा आ जाएगा तो देख लो जल्दी से सब लोगों की कमेंट आ रही थी कि सारिका हेजू को लाने के लिए मना कर रही है तो देखते हैं हेजू आती है कि नहीं तो वो भी जल्दी से पता चल जाएगा और आप लोग कमेंट करो कि हेजू को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए अगर आएगी तो हमारे लिए अच्छा रहेगा अगर नहीं आएगी तो हमारे लिए अच्छा रहेगा आपका क्या सोचना है कमेंट कर ही दो ताकि हमें भी पता चले कि हम क्या सोचे हेजू को लाने के बारे में ठीक है आ रहा है चिराग का फोन तो चिराग से भी पूछ लेते हैं कि वो कब आ रहे हैं हेलो बोलो सो करो छो बहु दिवसे तमे बधा व्यूअर्स ने देखा सो आजे जो અહીંયા સેવ ટમેટાનું શાક બને છે અહીંયા ભાખરી બને છે ભાખરો બનાયો છે તમે તો મસ્ત તો સરસ સરસ મજા આવે છે તમને चिराग मैं सबको बोल रही हूँ कि सारिका आएगी थोड़े दिन में हेजू नहीं आ रही है और आप कब आओगे मैं सोचूंगा मैं कब आ रहा हूँ सब सोच ही रहे हैं पता नहीं कोई जवाब नहीं देता है मुझे वो सोच के आना पड़ता है ना तो सब क्यों इतना क्यों सोच रहे हो मैं कितना वेट कर रही हूँ सबका बेबी का भी वेट कर रही हूँ वो भी सोच रहा है सब इंतजार पूरा होगा टेंशन ना हो चिराग बेबी भी सोच रहा है कि मैं कब जाऊँ बोलने को कर रहे थे तू बीजू कहीं नहीं कहीं ना करती बीजू सो करूँ वीडियो बनाऊँ चू तमारो ओके तो आज मैं यूट्यूब में आऊँ ना हाँ चिराग हमारा भी भाग्य खुल गया बस 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 इतनी भी इतनी खुशी इतनी खुशी कहीं नहीं अभी तमे रसोई बनाओ छो पछी जमसो कहीं नहीं बने तो तू तारू काम कर बराबर ओके चलो बाय बाय Okay, देखो अभी हम बैठ रहे हैं खाना खाने के लिए और बच गए हैं 7:30 और यहाँ पे हमारे भगवान जी के दर्शन भी कर लो साथ में दीवाबत्ती हो चुके अभी मिलेंगे वापस कल तो आज के लिए बस इतना ही लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो बाय बाय गुड नाइट सुन लेते हैं अरुण बापू जी का हम बहुत ही अच्छा सा भजन जो सुन के आप सब लोगों को मुझे पता है बहुत मजा आता है तो चलो चलते हैं अरुण बापू जी के भजन बोलो बोलो आज शू संभळावो छो भजन गाओ बीजो हूँ एक बोलो के चलो मोंगो मनुष्य दे परी परी ने मळे नहीं वारम वार पाई तू भजी लेने किरतार पाई तू भजी लेने किरतार ए लाख हो गया ने तू पण जवानो मूर्ख मन मा विचार साचू कहू छू छता झूठू बने तो मुवा कुटुंब ने संभार पाई तू पजी लेने किरतार आ मनुष्य नो देह छे ने ई भक्ति करवा माटे भगवान आपणने आपे छे
પણ એ બધું ભૂલાઈ જાય છે, લાખો માણસો વૈયા ગયા, પણ એટલે એમ કહે છે કે લાખો માણસો તો તને સાચું ન લાગતું ને તો આ મુવા કુટુંબને તો સંભારે એમ ગયા છે કે નથી ગયા એમ, પછી આવો નથી મળવાનો એમ, અને આ તો 84 લાખ અવનીમાં ફરતો ફરતો આવ્યો છે, પછી આવો ક્યારેય મળશે નહીં, એટલે એ આખું ભજન એની ઉપર છે, એટલે કે આવું ભૂલ ક્યારેય ન કરું. પછી ત્યાં છે ને આપણે બેંકમાં જાઓ ત્યારે પાસબુક માગે કે તમારા પૈસા ઉપાડવા ને ત્યારે કે જો આમ ખાતામાં કેટલાક પૈસા છે, ત્યાં એવું જ છે, પાપનો થર છે પુણ્યનો એ જોવે, પછી જો પુણ્યને બધું સારું કર્યું હોય ને તો સ્વર્ગમાં વૈયા જાય, એટલે એને કોઈથી જન્મ મરણ ન ફેરા ટળી જાય, અને પાપ કર્યા ને તો અહીંયા જમ આમ ધોકા લઈને ઊભા હોય, એટલે ત્યાં જ્યાં જ મળે હબડવા, એ કે આ બધું કર્યું છે ને એ ભોગવવું પડે, એટલે કરેલા કર્મના ભોગવવા પડે બદલા, કોઈથી કોઈને કુદરત છોડે નહીં, એટલે મનમાં કોઈ પણ અભિમાન હોય ને કે બહુ સારું હોય કે મારે કાંઈ નથી ભૂલી જવાનું, કુદરત કોઈને મૂકે નહીં. જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ.